अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन बाय मदीहा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल एक और रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से आलू के समोसे बनाए थे मैंने, उनकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। यकीन जानिए इतने मज़ेदार बनते हैं कि बाज़ार के समोसों को आप टाटा बाय बाय कह देंगे, क्योंकि आप घर में बनाएंगे उनको अच्छे से, मसाले यूज़ करके अपने टेस्ट के हिसाब से साफ़ सुथरे ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो उनका टेस्ट तो ज़बरदस्त आना ही है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से मिल जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इंग्रेडिएंट कार्ड में ऐड कर दिए हैं, अब वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने समोसे की पट्टी तैयार करेंगे, यानी कि समोसे की रोटी जो होती है या पेस्ट्री कह लीजिए, उसको तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 पाव 250 ग्राम, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन और 50 ग्राम मैंने घी लिया है और इसको मेल्टेड फॉर्म में लिया है। साथ ही मैंने 150 ml पानी लिया है। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आटे में नमक और अजवाइन डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, फिर उसमें मैंने घी डाल के इसको भी क्रम्बल फॉर्म में मैं ले आई। फिर उसके बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आटे को गूंद लेंगे। आटा जो है चपाती बनाने के लिए जैसा हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंधेगा, तो बस आटे को हम अच्छे से गूंद के उसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। तो इसको मैं रख दूंगी साइड पे। अब हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे आलू की। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, 400 ग्राम इनका वेट है। इनको मैंने अभी बिल्कुल भी मैश नहीं किया है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको फाइनली चॉप किया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, आधा टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून अजवाइन है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। आप मिर्च और नमक की क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी अजवाइन और बाकी चीज़ें जो हैं कलौंजी वगैरह वो इतनी ही यूज़ होंगी। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें थी, बिल्कुल माइल्ड वाली हरी मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए उनको बारीक चॉप करके रखा है। और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया मैंने उसको भी बारीक चॉप करके रखा है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के यूज़ होंगे। तो अब अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल को प्री हीट करके रखा था, उसमें मैंने चॉप्ड अनियंस जो हैं यानी कि हमारी बारीक कटी हुई प्याज जो थी उसको मैंने ऐड किया। उसको बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होते ही मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डालूंगी जो हमने लिए थे, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन और कलौंजी। इन सबको डाल के मैं तो 1 से 2 मिनट के लिए इनको भूनूंगी ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर उसके बाद जो हमारे बॉइल्ड आलू रखे थे साबुत ही थे, उनको मैंने पहले मैश नहीं किया था, उनको मैं अब मसाले में डाल के फिर मैश करूंगी। और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है हमने इनको और बहुत ज़्यादा साबुत साबुत भी नहीं रखना है, बस ऐसे रखना है कि थोड़ा सा आलू का टेक्सचर फील हो हमें। तो बस इतना ही मैंने इसको मैश करना था। अब साथ ही मैं इसको सारे मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि कहीं से भी आलू हमारे फीके ना रहें। और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अब आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के उनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सब चीज़ें एक साथ यकजान हो जाएं। और ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हमें फिलिंग नहीं चाहिए है। तो बस मैंने अपने फिलिंग को एक बोल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब इतने में मैं अपनी पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। तो जितना आटा मैंने लिया था उसमें मेरे 6 पेड़े तैयार हुए हैं, यानी कि 6 रोटियाँ हम इसमें तैयार करेंगे। तो मैं सारी रोटियां एक साथ तैयार करके रख लूंगी साइड पे। इनको अच्छी तरीके से हम खुश्क आटा जो है लगा लगा के अच्छे से बेलेंगे और इनको गोल शेप नहीं देनी है बल्कि थोड़ी सी ओवल शेप देनी है, यानी कि थोड़ा लंबाई में बनेगी ये रोटी, गोल नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह की शेप देके मैं इनको साइड पे रखती जा रही हूँ और थोड़ी सी खुश्क आटा साथ साथ लगाती जा रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो मैं इसी तरह 6 की 6 रोटियाँ तैयार कर रही हूँ।
देखिए मेरी 6 रोटियां तैयार हो गई हैं। मैंने इसी तरह एक के ऊपर एक करके इनको रख दिया है ताकि चिपके नहीं। आटा लगा के इनको रखा था और अब बीच में से मैंने इनको डी शेप में इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह हमारे 12 समोसे तैयार हो जाएंगे 1 पाव आटे से। तो अब मैंने इनकी जो बिल्कुल स्ट्रेट वाली साइड है उस पे मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि हम इसको सील कर सकें, बंद कर सकें अच्छे तरीके से। और सील अच्छे से करना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले फ्राइंग के दौरान। और हम हाफ वे में इसमें फिलिंग स्टफ करके और फिर हम इसकी शेप इस तरह से दे देंगे समोसे की। तो एग्जैक्टली जैसे हमें बाजार में समोसा मिलता है बिल्कुल वैसी ही शेप आई है। ये देखिए पानी लगा के आप अच्छे से पहले इसको बिल्कुल नीचे तक सील कर लीजिए ताकि कुछ बाहर ना निकले। और फिलिंग बहुत ज्यादा स्टफ नहीं करनी है ऊपर तक, क्योंकि आपने देखा होगा आलू के समोसे की शेप बाजार में डिफरेंट मिलती है कीमे के समोसे की नस्बत। तो ये देखिए इस तरह से सारे मैं समोसे तैयार कर रही हूँ। तो ये 12 समोसे मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए आपने देखा कि मैं इनको बिल्कुल उल्टा करके डाल रही हूँ समोसों को, आप भी इसी तरह डालिएगा। और ऑयल मैंने पहले अच्छे से गर्म करने के बाद उसको मीडियम से लो के दरमियान हीट करके फिर मैं इसमें समोसे डाल रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से तकरीबन लो की तरफ ही इसकी आंच है और 6 से 7 मिनट इनको लगेंगे फ्राई होने में। और बहुत अच्छा सा हमें लाइट गोल्डन कलर इनको देना है। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो ये डार्क हो जाएंगे और हमारी जो समोसे की जो कवरिंग है यानी कि पट्टी है वो रोटीज की पक नहीं पाएगी, वो कच्ची रह जाएगी। तो फिलिंग तो इसकी क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है लेकिन हमें इसकी जो शेल है इसको अच्छे से पकाना है। तो उसके लिए हमें 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना पड़ेगा। तो ये देखिए इतना खूबसूरत सा कलर हमें इसको देना है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा आपको फ्राइंग में। आप इस तरह से आराम से लेकिन बहुत जेंटली इसमें चमचा चलाइए, ये ना हो कि इसकी फिलिंग जो इसकी जो रैपिंग है वो टूट जाए हमसे। तो ये देखिए जबरदस्त सा कलर हर तरफ से आपने देना है इसको। कहीं से अगर आपको व्हाइट लग रहा हो तो आप उसको दोबारा से टर्न करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो समोसे हमारे हो गए हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितने जबरदस्त सा कलर आया है, कितनी जबरदस्त सी शेप है। और आप यकीन जानिए कि इसका जो शेल है यानी कि इसकी जो समोसा पट्टी थी वो इतनी जबरदस्त खस्ता बनी है कि मैं आपको आगे इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। और टेस्ट भी जबरदस्त था। इसको मैंने लाल खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इन चटनियों की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप उधर जाके जरूर देखिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, समोसों की रेसिपी को, चाय के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से मिल जाए। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी।